वेलकम टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके लिए जीके के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह आपको रोज़ एक नई वीडियो मिलती रहती है जीएस से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन एक भी बाहर जाने वाला नहीं है, ये वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पिछली वर्ष पूछे गए हैं। ठीक है, और आने की संभावना अधिक है। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप नए नहीं हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो हैं सभी देखिए और लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 52। निम्न युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है किम्बली, हीरा के लिए प्रसिद्ध है। बिट बार्टर्स रेंड, सोना के लिए प्रसिद्ध है। सी कैटंगा, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। सार डी, लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 52 का करेक्ट आंसर क्या है आपका? 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सार जो है लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आगे आप लोगों को समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका 53। क्या दिया गया है? 53। निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्त व्यावहारिक नदी है? ठीक है, कौन सी नदी है जो सबसे ज़्यादा व्यस्त है? फर्स्ट ऑप्शन है बोल्गा नदी, ऑप्शन नंबर बी है यांग सिटी क्यांग नदी, ऑप्शन नंबर सी है मिसौरी मिसिसिपी नदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है राइन नदी। तो कौन सी जो व्यस्त नदी है, जो सबसे ज़्यादा उस पर व्यापार किया जाता है, वो कौन सी नदी है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो राइन नदी है वह जो है सबसे ज़्यादा व्यस्त नदी है, इसी से अधिकतर जो होता है व्यापार होता है। ठीक है, इसी नदी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 54 क्वेश्चन कह रहा है कि संसार में यूरेनियम का अग्रगण्य उत्पादक है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड ऑप्शन है कनाडा, थर्ड ऑप्शन है कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी है भारत। तो यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? तो 54 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है। यहाँ पर जो है यूरेनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यह सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी के और एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय निम्न में से किस देश में पैदा की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है भारत में, ऑप्शन नंबर बी है म्यांमार में, ऑप्शन नंबर सी है श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर डी है ताइवान में। ठीक है, तो विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय, ठीक है, किस किस्म की चाय? उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड 55 का ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत में जो है उलंग नाम की किस्म की जो चाय है वो पैदा की जाती है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें उलंग किस्म की जो चाय पैदा की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित देशों में से किसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी है रूस, ऑप्शन नंबर सी है कनाडा, ऑप्शन नंबर डी है यूएसए। तो किसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो 56 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कनाडा को। ठीक है, कनाडा को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56 आपका हो चुका है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 57। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी है यूक्रेन। तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो 57 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी चीन। चीन जो है वो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, चीन। और तंबाकू का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। ठीक है, सबसे ज़्यादा तंबाकू चीन में पैदा की जाती है, उत्पन्न की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सीरीज वाला है, तो आप इसे गौर से देखिएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है इरी, डुलुथ नगर में स्थित है, मिशिगन डेट्रॉइट नगर में स्थित है, ओंटारियो ये कैरी में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी जो है सुपीरियर झील है जो हैमिल्टन में स्थित है। तो इसे सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसे सुमेलित करने के लिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें पहले ए का दूसरा मिला है। ठीक है,
ए का दूसरा मिला है तो इसमें री है डेट्रॉयड से रिलेटेड, ठीक है, डेट्रॉयड से रिलेटेड, ठीक है। और बी जो है तीसरे नंबर से, तो बी आया मिशिगन कैरी से। इसी प्रकार आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर है। 58 का डी इज़ राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 59। कूल गाड़ी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है, फर्स्ट ऑप्शन है न्यू साउथ वेल्स, ऑप्शन नंबर बी है नॉर्दर्न टेरिटरी, ऑप्शन नंबर सी है क्वींसलैंड, ऑप्शन नंबर डी है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो 59 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर है। वो जो कूल गाड़ी है वो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न प्रांत में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक हैं, ऑप्शन नंबर ए बेल्जियम एवं चीन, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस एवं रूस, ऑप्शन नंबर सी है जर्मनी एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी है तुर्की एवं यूक्रेन। तो चुकंदर के सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्रांस और रूस, ठीक है। फ्रांस और रूस में सबसे ज़्यादा चुकंदर मिलते हैं, चुकंदर सबसे ज़्यादा फ्रांस और रूस में मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका है सूचीबद्ध, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको SW में मिलेगा होमवर्क, आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको क्वेश्चन देख लेता हूँ और आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये रहा इसका ऑप्शन, ठीक है, अब इसका जो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप, तो ये इसका रहा आंसर। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है 65। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है, ऑप्शन नंबर ए कांगो, ऑप्शन नंबर बी लिम्पोपो, ऑप्शन नंबर सी है नाइजर, ऑप्शन नंबर डी है जैम्बेजी। तो अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है, तो 65 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लिम्पोपो नदी, ठीक है। लिम्पोपो जो नदी है वो अफ्रीका में एक नदी है, ठीक है, अब नदी है तो नदी होगी, ठीक है, और वो मकर रेखा को दो बार काटती है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 66। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, ऑप्शन नंबर ए हैलीफैक्स कनाडा में, बी शिकागो USA में, ऑप्शन नंबर सी सियाचिन भारत में, ऑप्शन नंबर डी फरखोंसक्यांग साइबेरिया में। तो ये सभी लोगों को पता होगा, इससे अगले वाले प्रैक्टिस सेट में मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी फरखोंसक्यांग, ठीक है। फरखोंसक्यांग जो है वो सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान है, और वो कहाँ पर स्थित है, वह साइबेरिया में स्थित है, रूस के साइबेरिया में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है, ऑप्शन नंबर ए नील, ऑप्शन नंबर बी अमेजन, ऑप्शन नंबर सी है कांगो, ऑप्शन नंबर डी है मिसिसिपी मिसूरी, ठीक है। तो 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अमेजन नदी, ठीक है, अमेजन नदी जो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। मक्का कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए सीरिया में, ऑप्शन नंबर बी ईरान में, ऑप्शन नंबर सी इराक में, ऑप्शन नंबर डी है सऊदी अरब में, ठीक है। तो मक्का कहाँ पर स्थित है, तो 68 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब में, ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है, ठीक है, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है, फर्स्ट ऑप्शन है एशिया, ऑप्शन नंबर बी है यूरोप, ऑप्शन नंबर सी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी है अफ्रीका, ठीक है। तो सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है, तो 70 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका महाद्वीप जो है सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी आल्प्स की पर्वत श्रेणियाँ कहाँ स्थित हैं, फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, सेकंड ऑप्शन न्यूजीलैंड में, थर्ड ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर डी है इंडोनेशिया में, ठीक है। तो दक्षिणी आल्प्स पर्वत की श्रेणियाँ कहाँ स्थित हैं, तो 71 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 72। स्थलमंडल के संदर्भ में एशिया का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, स्थलमंडल के संदर्भ में एशिया का कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो 72 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 30%, ठीक है 30%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है,
तो निम्न में से किसी प्रकृति का सुरक्षा बल कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन भूकंप को, ऑप्शन नंबर बी है ओजोन गैस को, ऑप्शन नंबर सी है ज्वालामुखी को, ऑप्शन नंबर डी है नदियाँ को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो प्रकृति का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी ज्वालामुखी को। ठीक है, आप लोगों को पता है कि धरती के अंदर कितनी गर्मी है, अगर ज्वालामुखी नहीं होते तो कहीं ना कहीं से फटते ना। तो अब ज्वालामुखी है, प्राकृतिक चीज़ है, तो वो जो है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है और उसकी जो गर्मी होती है लावा के रूप में बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है? फर्स्ट ऑप्शन है सहारा, ऑप्शन नंबर बी है गोबी, ऑप्शन नंबर सी है थार, ऑप्शन नंबर डी है कालाहारी। ठीक है, तो संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, तो 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी थार का मरुस्थल। ठीक है, थार का मरुस्थल जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पंपास, ऑप्शन नंबर बी है बेल्ट, ऑप्शन नंबर सी है डाउन्स, ऑप्शन नंबर डी है सवाना। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो 75 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सवाना। ठीक है, सवाना जो घास का मैदान है वो शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 76। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना के बाद भारत, भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद ब्राज़ील। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, क्या है एलिफेंट पास जिसकी चर्चा प्रायः समाचारों में होती है, निम्नलिखित में से किस एक के मामलों के संदर्भ में चर्चित है? ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। तो एलिफेंट पास जो है वो 77 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, एलिफेंट पास श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। रोटरडम का व्यस्त बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड में, ऑप्शन नंबर बी बेल्जियम में, ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क में, ऑप्शन नंबर डी है जर्मनी में। ठीक है, तो रोटरडम का व्यस्त बंदरगाह कहाँ पर अवस्थित है? तो 78 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड में। ठीक है, नीदरलैंड में स्थित है रोटरडम का व्यस्त बंदरगाह। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर ढूंढिए। ठीक है, तो ये लोग आपको ये भी एक हम आपको वर्क होमवर्क के लिए दे देते हैं, इसमें इसे भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं ये होमवर्क में इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों दे देता हूँ। मैं इसलिए दे देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों को जल्दी याद हो जाते हैं, क्योंकि ये इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल रहता है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। ब्राज़ील में बृहद कॉफ़ी रोपण क्या कहलाता है? ठीक है, ब्राज़ील में बृहद कॉफ़ी रोपण क्या कहलाता है? 83, ऑप्शन नंबर ए है संपदा, ऑप्शन नंबर बी है फार्म, ऑप्शन नंबर सी है फजेंडा, ऑप्शन नंबर डी है कॉल खोज। ठीक है, तो ब्राज़ील में बृहद कॉफ़ी रोपण क्या कहलाता है? तो 83 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी फजेंडा। ठीक है, फजेंडा कहलाता है, फजेंडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। किस नदी के तट पर काठमांडू नगर स्थापित है? ऑप्शन नंबर ए अरुण नदी, ऑप्शन नंबर बी है सप्तकोसी नदी, ऑप्शन नंबर सी है बागमती नदी, ऑप्शन नंबर डी है सनकोसी नदी। ठीक है, तो काठमांडू नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो 84 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बागमती नदी के किनारे। ठीक है, बागमती नदी पर, नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका 85। विश्व में कहवा के दो अग्रहण उत्पादक हैं? ऑप्शन नंबर ब्राज़ील कोलंबिया, ऑप्शन नंबर बी है ब्राज़ील तथा वियतनाम, ऑप्शन नंबर सी है मैक्सिको तथा भारत, ऑप्शन नंबर डी है इथोपिया तथा मैक्सिको। ठीक है, तो 85 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील तथा वियतनाम। ठीक है, ब्राज़ील तथा वियतनाम ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, जहाँ पर कॉफ़ी ज़्यादा पाई जाती है ब्राज़ील और वियतनाम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार रोज़ वीडियो आपको मिलती रहेगी इस चैनल पर। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ चाहिए
मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप उसे जरूर देखिए जाके, ठीक है। तो वीडियो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो का यहाँ पर करते हैं एंड। जय हिंद।